हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। हियर वी सी क्वेश्चन दैट इज अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स फ्रॉम 1 टू 20। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। जो भी नंबर कार्ड के ऊपर आएगा दैट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। वी हैव 20 कार्ड्स, सो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दैट इज 6, 3 टू जा 6, 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, सो हाउ मेनी नंबर आर देयर, 3 नंबर्स आर देयर, 3 डिवाइड बाय टोटल दैट इज गिवन इक्वल टू 20, सो आंसर इज हियर 3 बाय 20, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट अ प्राइम नंबर। 1 टू 20 में हमारे पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। 1 कभी भी प्राइम और कंपोजिट किसी में भी काउंट नहीं होता। वी काउंट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। दैट इज काउंट द नंबर्स, वी हैव हियर 8 नंबर्स, सो 8 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 20, राइट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडे। देखो लीप ईयर वी नो दैट इज इक्वल्स टू 366 डेज। लीप ईयर में हमारे पास डेज कितने होते हैं, 366। नाउ वी विल काउंट वीक्स। अब हम क्या करते हैं, वीक्स काउंट करते हैं। वीक किस लिए काउंट करेंगे, क्योंकि हर एक वीक में एक संडे तो आएगा ही आएगा, राइट। सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द संडेज, राइट। नाउ नंबर ऑफ वीक वी विल काउंट बाय डिवाइडिंग 366 डिवाइड बाय 7। 7 से डिवाइड किया 52, हियर वी गेट 35, 1, 6, 14, और आपके पास 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि 366 डेज, 52 वीक्स होंगे और साथ में 2 डेज होंगे। एवरी लीप ईयर हैज़ अ 52 संडे। हर लीप ईयर में 52 संडे होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन रिमेनिंग, ये जो 2 दिन बचेंगे उसके पॉसिबल पेयर क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। टोटल कितने पेयर बने, 7, एंड आउट ऑफ 7 पेयर ओनली 2 पेयर हैव अ संडे, सो द रिमेनिंग 5 पेयर डज नॉट इंक्लूड संडे। तो रिमेनिंग 5 पेयर ऐसे होंगे जिसमें संडे नहीं होंगे। अब देखो 52 वीक्स ऐसे थे जिसमें 52 संडेज होंगे और हमें वो 52 ही संडे चाहिए, तो इसका मतलब संडे को स्किप करके जो भी पेयर होते हैं उनको हम काउंट करेंगे। कितने पेयर हो जाएंगे, 5, और आंसर आएगा 5/7, राइट। नाउ जयंती थ्रो अ पेयर ऑफ डाइज एंड रिकॉर्ड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द डाइज। पीहू थ्रोज वन डाई एंड रिकॉर्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट अपियर ऑन इट। हू हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। सो जयंती थ्रोज 2 डाइज टुगेदर, 6 इंटू 6 दैट इज 36। शी विल गेट 36 ओनली वेन वी गेट 6 इंटू 6, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल 1, टोटल दैट इक्वल टू 36, सो हियर इट इज 1/36। नाउ Pihu throws one dice. There are 6 total number on all the possible outcomes. The number whose square is 36, that is 6. तो यहाँ पर favorable outcome कितना हो गया, 1. तो आपके पास है एक 1/36 और दूसरा है 1/6. तो possible chances किसके ज़्यादा हैं, Pihu के, right? Now question is, Peter throw 2 different dice together. Find the product of 2 number obtained. Peter ने 2 dice फेंकी और उनका प्रोडक्ट ऑप्टेन किया। रीना थ्रोज अ डाई एंड स्क्वेयर ऑफ द नंबर। रीना ने डाई फेंकी और उनका स्क्वेयर किया। हु हैज अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। सो दैट्स लाइक द सेम, वी नो 25 कब आएगा, 5/25, बट 2 डाइज की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आएगा 1/36। टोटल चांसेस 36। नाउ इफ यू हैव हेयर 1 डाई, तो 1 डाई के ऊपर नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो एक ही नंबर ऐसा है जिसका स्क्वेयर कितना होगा, 25। तो आंसर आएगा 1/6। हु हैज बेटर चांस, सो हियर रीना हैज अ बेटर चांस। क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट अ रेंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ब्लू मार्बल को जिसमें ब्लू, ब्लैक और ग्रीन तीनों मार्बल्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक मार्बल एट रेंडम फ्रॉम अ सेम जार इज 1/4।
If the jar contain 11 green marble, find the total marble. So it's a very, very important question. Let's consider that X is the number of blue marble, Y is the number of black marble, number of green marble that equal to 11. So total number of marble that is equal to sum of all these X plus Y plus 11. According to the problem, we have black marble ki probability hai 1 by 4, right? So yahan par black marble kitne hai hamare paas? It is Y. Total x plus y plus 11, y divided by x plus y plus 11 equal to 1 by 4, it is equals to cross multiply. After cross multiplying, we get here, this is x plus y plus 11, that is equals to 4 into y. Take this that side, x plus y minus ka 4y equal to 11, x minus me 3y, it equals to 11, and x comes equals to 3y minus 11, right? So here, we get this complete plus 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 11 right it is equal to this now blue marble we have here 1 by 5 blue marble कितने हैं x like the same we will solve here put the value of x in the above we get 3y minus 11 equal to y plus 11 by 4 multiply 4 3 जा 12 4 11 जा 44 we get y plus 11 take this y that side 12 minus y 11 Here, take this 11 that side, it is equal to 11 plus 44, 55. Y ki value kitni aa gayi 5, put karte hain, kisi bhi ek equation mein, we get the number of x. Now, total marble in the jar, that is x plus y plus 11, 4 plus 5 plus 11, it equals to 20, right? Question is, a cards marked with the number 3 to 50 are placed in a bag and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the bag. Find the probability. The card drawn is divisible by 7. 7 से divisible हो. तो 7 से divisible वाले सारे number लेते हैं. 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49. How many numbers 7? Total आपके पास कितने हैं 48? Answer आएगा 7 by 48. We need to find out the perfect square also. Perfect square, 1 का square, 2 का square, right? Perfect square, 1 का square आएगा आपके पास 1. But number हमारे कहां से start हो रहे हैं? It start from 3. And then we have 4, we have 9, we have 16, 25, 36 and 49. So number of favorable outcome that equal to 6. Total aapke paas hai 48. Answer is 6 by 48. Answer 1 by 8. Now we need to find out a multiple of 6. 6 ke multiple aayenge 6, 12, 24, 30, 36, 42 or 48. Kit number ho gaye 6. Total divide karte hain. Answer aayega aapka. 6 divided by 48 that is equals to 1 by 8 right yahan par thoda sa ek par dekh lete hain 1 2 3 4 5 6 7 ye 6 24 12 30 36 char aur 3 7 ho gaye to 3 to 50 ke count karne na to here we have multiple of 6 are 6 12 18 18 also will come right so here we say total that is equals to 8 So answer is here 8 by 48 and here it equal to 1 by 6. Answer kitna aayega? 1 by 6, right? Now next question. All the red face cards are removed from a pack of 52 cards. Aapke paas 52 cards hai. Un 52 cards mein se face cards ko hata diji. To face cards ko jab hataayenge, we will get here. How many? Face card kitne hote hai? 12. 6 kya hote hai? Black. 6 kya hote hai? Red. To red face cards ko remove kiya gaya. 52 minus 6. Aapke paas kitna aagaya? 40. 6 right now here that removing black face card we have 46 cards and thus there are 48 possible outcomes right a card is drawn at random from the remaining card so we need to find out the red color ke nikalne hain dekho dhyan se samjho total aapke paas red card kitne hote hain 26 hote hain theek hai 6 red face card aapne nikal diye to kitne reh gaye 20 टोटल कार्ड आपके पास कितने हैं 46 तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 20 बाय 46 दैट इज 10 डिवाइड बाय 23 नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट अ क्वीन कार्ड हाउ मेनी क्वीन कार्ड्स आर देयर टोटल 4 4 कार्ड्स होते हैं उसमें से दो क्वीन है तो दो को हटा देते हैं 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 नाउ नेक्स्ट इज हियर एस कार्ड हाउ मेनी एस कार्ड दैट इज 4 टोटल कार्ड दैट इज इक्वल टू 46 तो आंसर इज 2 बाय 23 Now, question is a face card. So, here, how many total? 12. जिसमें से 6 आपने red face card हटा दिए, तो 6 black बचते हैं. तो 6 divided by 46, answer is 3 by 23.
क्वेश्चन इज ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड. तो सेम एज इट इज यू कैन डू 52 में से 6 का 46 राइट. तो आपके पास 46 कार्ड्स बचते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द फेस कार्ड. अब आपके पास ब्लैक तो हट गए तो रेड फेस कार्ड रह गए. तो 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, 6 बाय 46 राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेड कार्ड्स. रेड कार्ड्स टोटल कार्ड होते हैं 26 राइट. आपने ब्लैक हटाए हैं कोई दिक्कत नहीं है तो रेड तो 26 ही रहेंगे. 26 बाय 46 क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द ब्लैक कार्ड नाउ. सो नाउ हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर. वी हैव हेयर टोटल 26 बट 6 फेस कार्ड्स को रिमूव किया गया तो आपके पास आ गया 26 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 20. सो आंसर इज 20 बाय 46 दैट इज 10 बाय 23 राइट. किंग कार्ड देखो किंग कार्ड टोटल होते हैं 4. उसमें से दो तो क्या होते हैं रेड और टू क्या होते हैं हमारे ब्लैक. तो फोर में से हमने कहा 4 किंग कार्ड्स होते हैं राइट. 4 किंग कार्ड में से 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं रेड किंग होते हैं और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ब्लैक किंग होते हैं राइट. तो यहाँ से हमने क्या किया जो ब्लैक वाले हैं उनको हटा दिया तो आपके पास क्या रह गए 2. तो यह आएगा 2 डिवाइड बाय कितना 46 राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर अ बॉल कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग फ्रॉम 6 टू 70. देखो एक बॉक्स है राइट. उसमें क्या है कुछ कार्ड्स हैं. कार्ड्स के ऊपर नंबर क्या है 6 से लेकर कहाँ तक है 70 तक है राइट. इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग्स बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ वन डिजिट नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कार्ड. अब टोटल 1 से लेकर अगर 70 होता तो 70 नंबर होता ठीक है. अब 6 से स्टार्ट है तो मतलब 1 से लेकर 5 तक हट गए. तो 1 से 5 मतलब 5 कार्ड हटा देते हैं. 7 में से 5 गया टोटल कार्ड कितने बच जाते हैं यहाँ पर 65 राइट. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट वन डिजिट नंबर. देखो वन डिजिट नंबर 6 से लेकर 9 है ना. 6 7 8 और कितना बनेगा 9. सो हाउ मेनी 1 2 3 4. तो आंसर इज हेयर 4 डिवाइड बाय कितना 65 राइट. आंसर इज हेयर 5. सो इट इज हेयर 4 बाय 65. नाउ क्वेश्चन इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो आपको काउंट करना है 6 से लेकर 70 तक के वो नंबर जो किससे डिविजिबल हो 5 से 10 15 20 लाइक दिस राइट. हाउ मेनी टोटल 13. तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दैट इज हेयर 13 बाय 65. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट ओड नंबर लेस देन 30. 30 से लेस नंबर निकालने हैं ओड नंबर होने चाहिए. तो 7 9 11 13 15 17 19 लाइक दिस. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल केसेस कितने होते हैं 12. टोटल हमारे पास यहाँ पर आते हैं 65 तो 12 बाय 65. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट कंपोजिट. देखो प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कंपोजिट. तो यहाँ से काउंट करते हैं 50 से 70 51 52 राइट 54 55 यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो नंबर जो डिवाइड होते हैं वो काउंट करने हैं ना. तो आप काउंट कर लीजिए तो टोटल आएंगे 15 और डिवाइड कर देते हैं 65 से राइट. क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ अ स्पेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल दैट टोटल हमारे पास जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं राइट. 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स में से 26 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ब्लैक कार्ड होते हैं राइट. 26 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं रेड कार्ड होते हैं राइट. नाउ आउट ऑफ दिस 26 वी हैव हेयर ये जो कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे स्पेड के होते हैं और साथ में किसके होते हैं क्लब के होते हैं. रेड जो कार्ड होते हैं दे आर ऑफ हार्ट एंड देन डायमंड राइट. नाउ क्वेश्चन इज लिसन केयरफुली दैट वी हैव अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस. सो हेयर स्पेड कार्ड कितने हैं 13. एस कार्ड्स में देखो वैसे तो टोटल 4 होते हैं लेकिन स्पेड में एक आ गया राइट. तो यहाँ पर 3 कार्ड्स बच जाते हैं. तो 13 प्लस 3 दैट इज 16 16 बाय 52. नाउ क्वेश्चन इज अ ब्लैक किंग. देखो टोटल जो हमारे पास किंग होते हैं वो कितने होते हैं 4 राइट. 4 किंग्स होते हैं. उसमें से इसने पूछा 2 तो क्या होते हैं रेड कलर के होते हैं और 2 जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. तो 2 ब्लैक बचे. तो आंसर इज हियर 2 डिवाइड बाय कितना 52 राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर अ जैक नोर ए किंग. ना तो जैक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए. जैक कितने होते हैं 4. किंग कितने होते हैं 4.
तो 4 और 4 कितना 8, टोटल है 52, उसमें से 8 माइनस करते हैं आंसर आता है 44, राइट। नाउ क्वेश्चन इज आइदर ए किंग और ए क्वीन। किंग, हाउ मेनी किंग आर देयर, दैट इज इक्वल्स टू 4। हाउ मेनी क्वीन्स आर देयर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। सो हियर 4 + 4 इट इज 8, तो आपके पास आ गया आंसर 8/52, राइट। इट इज इक्वल्स टू 2/13। क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 15 बोल्स, आपके पास टोटल बोल कितनी है 15, राइट, ऑफ विच एक्स आर ब्लू, इन 15 बोल्स में से एक्स ब्लू है एंड रिमेनिंग आर रेड, ओके। सो वी से हियर टोटल दैट इक्वल्स टू 15, ब्लू बोल्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपके पास रेड बॉल कितनी होनी चाहिए, टोटल में से इन ब्लू बॉल्स को हटा देते हैं 15 - x। इफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज बाय 5, अगर रेड बॉल्स में से 5 इंक्रीज किया जाए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गेट डबल, तो प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट हियर रेड बॉल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टोटल 15, ब्लू x, रेड 15 - x, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इज इक्वल्स टू 15 - x/15। इफ नंबर ऑफ बॉल्स आर इंक्रीज बाय 5, कितने इंक्रीज हुए 5, तो टोटल में कितना इंक्रीज हुआ 5, राइट, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है डबल। तो रेड बॉल यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं 15 + 5 किसके इक्वल होगा 20, राइट, टोटल रेड बॉल इंक्रीज हुई है तो 15 - x + 5 दैट इज इक्वल टू 20 - x। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 20 - x/20, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर सेइंग जो भी नई प्रोबेबिलिटी होगी वो पुराने वाले की क्या होगी डबल। तो 20 - x/20 इक्वल टू 2 times ऑफ 15 - x/15। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड 20 से 20 कैंसिल, 1 - x/20, 2, 1 - x/15, 2 अंदर लेते हैं 2x, राइट, यहाँ से 2x इधर जाएगा, x इधर आएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1, एलसीएम लिया 8x - 3x दैट इज 5x। हियर वी गेट 5x डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1, एलसीएम लिया यहाँ पर, ये सिंपल मल्टीप्लाई किया 5x इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60/5 विच इज इक्वल्स टू 12। सो आंसर इज हियर इक्वल्स टू 12, राइट। नाउ क्वेश्चन इज रेड बॉल फटाफट से निकाल सकते हैं, 12 आ गया, 15 - 12 विच इज इक्वल्स टू 3, राइट, 3/15 1/5, ब्लू बॉल 12/15 4/5। नाउ हियर क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 3-digit नंबर आर मेड, ध्यान से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। 3-digit नंबर आर मेड यूजिंग द डिजिट 4, 5 and 9 विदाउट रिपीटेशन बनाना है। इफ ए नंबर अमंग देम इज सेलेक्टेड एट रेंडम, इनमें से नंबर को सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5। पूछा गया है नंबर बताओ जो क्या हो 5 का मल्टीपल हो। सो हियर टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स आर 459 495 549 5594, जितने भी नंबर हो सकते हैं वो लिखेंगे, और ये टोटल कितने होते हैं 6, ठीक है। नाउ हियर आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 5, तो जब लास्ट में 5 आएगा वही 5 का मल्टीपल होगा, कितने हो गए 2 divided by 6 दैट इज 1/3। हाउ मेनी ऑफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 9, सो ऑल आर मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि एडिशन जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है आपका ओके, ये आ जाएगा 9 - 9 0, ठीक है, आपको पता ही होगा 9 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे नंबर 9 से डिविजिबल हैं, तो वी गेट हेयर 6/6 विच इज इक्वल टू 1। विल नंबर एंड विद 9, 9 से एंड वाले नंबर कौन से हैं, 2 ही हैं, तो 2 divided by 6, राइट। क्वेश्चन इज हियर अ नंबर एक्स सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3, 4, आपके पास नंबर है 1, 2, 3, 4, वाई सेलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर 1, 4, 9, 16, राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेस देन 16। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 1, 2, 3 and 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से 1 को 3 से 1 को 4 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 16 × 16, 16 × 32, 16 × 48 or 16 × 64, राइट। क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेस देन 7, लेस देन 16, सॉरी, 1,
9. So how many here? 9. Total is 4 into 4, that is equals to 16. So 9 by 16 will be the answer. So first we will take the values. Sari values li humne, right? Total is 16. Favorable, हमारे पास आई कितना 8, just a minute, I'll count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes, 16 को count नहीं करेंगे, तो कितने केस आ गए, 8, answer आ गया 8 by 16, right, question is, a box contain 90 disc, which are number, 1 to 90 है, आपको find out करना है 2 digit number, तो आपके पास, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हटा देंगे, राइट? तो आपके पास 90 माइनस 9 कितना आ जाएगा 81? विद द टू डिजिट नंबर दैट इज इक्वल्स टू 81, 81 डिवाइड बाय 90 ये आ जाएगा आपका 9 बाय 10, राइट? नाउ क्वेश्चन दैट इज डिविजिबल बाय 5, सो 5, 10, ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, दे आर 18 इन नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आ गए 18, 18 डिवाइड बाय 90 विच इज इक्वल टू 1 बाय 5, राइट? Question is, card on which numbers 1 to 100 are written, one number on one card and no number is repeated, right? So, card is drawn, even number find out karna hai, bolo even number kahan se 1 se repeated tak 50 honge, bilkul, to aapke paas aa jayega 50 by 100. Question is, that it is a multiple of 13, to 1 se lekar 100 tak humare paas number hota hai 13, 26, 39, 42, jo bhi aapka 13 ka table hai, usko likh lena. टोटल आएंगे यहाँ पर 7 और आपके पास आंसर आएगा 7 बाय 100, राइट? वी नीड टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर, वी नो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5 स्क्वायर, 6, 7, 8, 9 एंड 10. टोटल हो गए 10, फेवरेबल इट इज 10, टोटल इट इज 100, आंसर इज 1 बाय 100. क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20, 20 से लेस सारे नंबर लेंगे. Total number that is equals to 8. So here 8 divided by 100 that is equals to 2 by 25. Now next is two different dice are thrown together. Find the probability the number obtained have an even sum. अब आपको क्या करना है, इनका sum करना है और sum करके ये देखना है कि even कितनी बार आता है. तो that is 18 times. अब add करो 3 plus 5, 4 plus 2, 4, 4. टेबल बनाना और यहाँ से हम फाइंड करते हैं टोटल है 18 डिवाइड करते हैं 36 से आंसर आएगा 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5. नाउ वी हैव इवन प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई दी ऑल द वैल्यूज एंड देन वी गेट हियर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 27, आंसर इज 27 बाय 36, राइट? नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जैक एंड किंग आर ऑफ रेड कलर, क्वीन एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड. Here question, Jack and King of red color and Queen and Ace of black color are removed. देखो Jack Queen red color की मतलब दो दो वहाँ से हटते हैं, Queen and Ace of black color तो दो दो वहाँ से हटते हैं, तो चार हट गए यहाँ से, ठीक है, 2 and 2, 4, just a minute, यहाँ से देख लेते हैं 52 cards से, right? तो आपके पास होते हैं 26, ये आएगा 13, ये आएगा 13, यहाँ भी आएगा 13, यह भी आएगा 13. अब ये आपका कह रहा है यहाँ पर किंग, राइट, ये आपके कह रहे हैं क्वीन, राइट, और फिर आपका कह रहा है जैक, राइट? फ्रॉम हियर व्हाट इज देयर, जैक ऑफ रेड कलर, जैक ऑफ रेड कलर, सो हियर वी रिमूव दिस इज रेड कलर, लेट कंसिडर दिस, दीज ऑल आर ऑफ ब्लैक कलर, जैक ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के जैक हट गए, दो यहाँ से हट गए, क्वीन, ये किंग भी घट गए यहाँ से, ये 2, 4 टोटल हो गए यहाँ से, क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, क्वीन ब्लैक कलर की हट गई हैं और एस ऑफ ब्लैक कलर और एथ हमारे ब्लैक कलर के हट गए हैं, ठीक है. सो नाउ टोटल रिमूव दैट इज 8, 4048, राइट, 52 माइनस 8 माइनस कर देंगे, ठीक है. तो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ ब्लैक क्वीन, आपको क्या करना है, ब्लैक क्वीन निकालनी है, अच्छा वेरी सिंपल नाउ, तो हेयर वी गेट 44, राइट? तो ब्लैक क्वीन कितनी रह जाएंगी यहाँ पर, 0, हमने रिमूव कर दी थी, तो आंसर आएगा 0 बाय 44. नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड अभी हमने यहाँ पर रिमूव किया था, टोटल 4 कार्ड थे, 26 में से 4 गया, कितना आएगा 22. नाउ जैक ऑफ ब्लैक कार्ड कितने यहाँ पर, 2, तो 2 बाय 44. फेस कार्ड 6 हटा दिया हमने, तो यहाँ पर कितने बन गए हमारे टोटल 6 बाय 44, राइट? क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 20 बॉल आउट ऑफ विच एक्स बॉल आर रेड, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ रेड.
देखो 20 बॉल है राइट, एक्स बॉल रेड है, तो आपके पास बची हुई बॉल कितनी होगी 20 माइनस एक्स राइट, सो रेड बॉल लेट इट इज एक्स बाय 20, तो नो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस एक्स बाय 20, या सीधा आप निकाल भी सकते थे 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 20। नाउ टू मोर रेड बॉल्स आर एडेड, तो टू मोर रेड बॉल्स वी गेट हियर 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24, टोटल आ गए आपके पास 4, एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय कितना आएगा 24, अकॉर्डिंग टू इट इट इज 5 बाय 4 ऑफ दिस एक्स बाय 20, सो हेयर वी डिवाइड and cross multiply we get x equals to 8. So this is the answer and this is all about today. So you revise it. Thank you. Bye bye. Take care.